रिफाइन के दही के ज्यादा पुण्य मिला था रिफाइन का। प्रधानमंत्री का आवास के बहुत चक्कर आया है, उसके बाद मिला नहीं भी है को चक्कर। उतना छपरा में उतना दिन से रहित है, मीटर लगाने को जगह ही नहीं है, दूसरे दीवार में लगाता हूँ और कोई सुनाई होते नहीं है। आवास नहीं मिला है, छपरा में रहा जाता है, छपरा गिर गिर जाता है, आंधी आवत है, नन नन लड़के लेके रही थे मैं यहाँ, अब आंधी आवे गिर जाए छपरा तो कहाँ लड़कियन का लेके जाये। हाँ दिक्कत तो होता है रहा मैं यहाँ, अब आंधी पानी नन नन लड़के में तीन ठो लड़के हैं, अब कहाँ लेके चली जाये आंधी पानी आवे। बजे बिजली है तो आने के दवाल में लगाए हम मीटर, अब निकाल के ले लिए तब हम का कर तब कहाँ मीटर लगवाए दे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जो भी इस जिले में 16 ब्लॉक में अब अविद्युतीकृत मजरे हैं उनका प्रथम हम लोग प्रयास है कि 31 दिसंबर तक उसको इंफ्रा बना करके उसको चालू कर दिया जाए। प्लस जिनको कनेक्शन नहीं मिला है उनके लिए भी हम लगातार सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इन मजरों में कनेक्शन दे दें। सर क्या जो कनेक्शन दे रहे हैं जिनके फूस के घर हैं, जिनको मीटर लगाने जगह भी नहीं है, उनके पेड़ों पे मीटर लगा दिया जा रहा है, क्या ऐसी भी कोई योजना है कि अगर उनके पास जगह नहीं तो मीटर पेड़ों पर लगा दिया जाए? ऐसी कोई योजना नहीं है, हम लोग किसी उस टाइप के ऐसे जगह नहीं लगाएंगे जहाँ पर कि लगाने लायक नहीं होगा पेड़ों पर। दूर किया है उसके अगर संज्ञान में आएगा उसको कार्रवाई करेंगे।